Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel. My name is Sahil and I am a digital marketer. So guys, आज इस वीडियो से मैं एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट लॉन्च करने वाला हूँ जो कि बेस्ड होगी गूगल मैप बिजनेस पर. गूगल मैप बिजनेस जो लिस्टिंग होती है वो हमारे लोकल सर्च रिजल्ट को टारगेट करने के लिए होती है, तो इसलिए हम इसे लोकल SEO भी कहते हैं. तो लोकल सर्च रिजल्ट को जो टारगेट करते हैं, जैसे लाइक कीवर्ड्स होते हैं लाइक नियर मी या फिर सिटी नेम के साथ जो सर्चेज होती हैं, उन टाइप के कीवर्ड्स को भी टारगेट करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग है. गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग में आप अपने मैपिंग एड्रेस को, मतलब जो भी आपका बिजनेस एड्रेस होगा उसे आप रजिस्टर करते हो, जिसकी हेल्प से आपका जो भी कस्टमर्स है वो आपकी प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि आप किस प्लेस पे लोकेटेड हो, मीन्स आपका जो एड्रेस है बिजनेस एड्रेस वो क्या है, और कॉल वगैरह आपको डायरेक्ट कर सकते हैं वहां से. आप उसमें आप अपने प्रोडक्ट्स, रेटिंग्स, रिव्यूज, सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो इजीली, जिसकी हेल्प से आपका बिजनेस जो है वो इजीली डिफाइन होता है आपके कस्टमर्स को कि आप क्या क्या सर्विसेज में डीलिंग कर रहे हैं और आपका कस्टमर फीडबैक क्या है. तो सारी चीजों के लिए हमारा गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए हम इसे लोकल सर्च रिजल्ट भी कहते हैं, क्योंकि लोकल सर्च रिजल्ट जो होते हैं उनमें आपका टारगेट करते हैं, तो उन्हें हम लोकल SEO की हेल्प की वजह से आपके जो कीवर्ड्स है उसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. आपने देखा होगा जो गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग होती है वो सर्च रिजल्ट्स में टॉप 3 कार्ड टाइप बन के आता है, जिसमें आपके टॉप 3 लिस्टिंग्स होती हैं. तो आपने एज अ बिजनेस रजिस्टर्ड कर लिया गूगल मैप बिजनेस पर, इतना ही इनफ नहीं होता, आपको उस लिस्टिंग पर अपने जो कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर अपनी लिस्टिंग टॉप 3 में रैंक करानी है, क्योंकि जब टॉप 3 में रैंक करेगी तभी उसके बाद आपको जो रिजल्ट्स हैं वो आपको शो होंगे. तो टॉप 3 में रैंक कैसे कराते हैं वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमें जो बिजनेस लिस्टिंग है वो SEO पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज भी करनी है. तो ऑप्टिमाइजेशन जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी वीडियोस में, कि किस टाइप से आप अपने गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग को कैसे किस कीवर्ड्स पे रैंक करा सकते हो. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग होती क्या है. सबसे पहले हम उस पॉइंट पे चलते हैं, देन हम देखेंगे कि गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग किस किस बिजनेस को टारगेट करने के लिए बनी है, दैट मींस कि किस किस बिजनेस में आप गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग को यूज कर सकते हो. तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग होती क्या है. तो गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज अ लोकल सर्च SEO. तो दैट मींस कि आपके जो लोकल सर्च रिजल्ट्स होते हैं, लाइक आपने सर्च किया ऑनलाइन लाइक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन गुड़गांव, या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव, या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, तो इस टाइप के जो सिटी वाइज कीवर्ड्स होते हैं और नियर मी वाले कीवर्ड्स होते हैं उनको कैसे टारगेट कर सकते हो, उसकी हेल्प से आप यहाँ पे लोकल गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग को सेटअप करोगे और उसी टाइप से आप कीवर्ड्स को टारगेट करोगे. तो दैट मींस कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग जो भी आप क्रिएट कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लोकल सर्च रिजल्ट्स के लिए ही है. मींस ऐसा नहीं है कि आप गुड़गांव में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है और आप आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी के अकॉर्डिंग आप उसे टारगेट करना चाहते हो, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है. आप गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग की हेल्प से आप नियर बाय या फिर आप लोकल सिटीज में ही टारगेट कर सकते हो, और उससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं, क्योंकि वहां पे आप अपना कस्टमर फीडबैक शो कर सकते हो, आप अपने कॉल नंबर दे सकते हो, आप अपनी सर्विसेज दिखा सकते हो. तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं वहां पे गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग में, जिसकी हेल्प से आप अपने गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा सर्च क्वेरीज मिले और उन सर्च क्वेरी पे आपकी रैंक करे, तो दैट मींस लिस्टिंग के थ्रू आपको कॉल्स वगैरह भी जनरेट हो. तो इसकी हेल्प से आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो इजीली. और यहाँ पे आपको एक इनसाइट का ऑप्शन भी मिलेगा, जिस इनसाइट के अंदर आप देख भी सकते हो कि आपकी जो लिस्टिंग है उससे आपकी कितनी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, या किस टाइप से आप अपनी परफॉर्मेंस को ग्रो अप कर रहे हो, वो सारी चीजें मंथ बाय मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे आप चेक भी कर सकते हो कि आपकी जो लिस्टिंग है वो कितनी ऑप्टिमाइज हुई है और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस पे जा रही है. तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग किस किस बिजनेस को टारगेट करने के लिए बनी है, दैट मींस कौन कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग को यूज कर सकते हैं. तो जैसे कि आपके यहाँ पे मल्टीपल जो बिजनेसेस होते हैं, लाइक जो सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, उन टाइप की जो बिजनेसेस हैं उनके लिए गूगल मैप बिजनेस रजिस्टर्ड काफी अच्छा है, क्योंकि इससे आप अपने लोकल कस्टमर्स जो हैं, जो आपके लोकल सिटी में कस्टमर्स हैं, उनको आप इजीली टारगेट कर सकते हो. बट अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, दैट मींस आप पैन इंडिया में काम कर रहे हो ऑनलाइन पे, तो आपका जितना भी प्लेटफॉर्म है आपका ऑनलाइन है, तो उसके लिए आपको गूगल बिजनेस लिस्टिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल बिजनेस लिस्टिंग में आपको एड्रेस चाहिए. और ई कॉमर्स के वेबसाइट पे अगर आप काम कर रहे हो तो उसके लिए एज सच आपको लोकल स्टोर विजिट करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम ई कॉमर्स बिजनेस में अपनी लिस्टिंग का यूज नहीं करेंगे.
आपको क्रिएट करना है आप वैसे क्रिएट कर सकते हो, बट उसका ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं है क्योंकि आपको लोकल कॉल्स वगैरह जनरेट नहीं करनी है, आपको सीधा ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने हैं ई कॉमर्स वेबसाइट से। तो उस टाइप की वेबसाइट के लिए भी हम कैसे वर्कआउट करेंगे वो चीजें भी हम सीखेंगे। तो गाइज काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट होने वाली है ये। इस प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपर गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग की इन डेप्थ में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा क्योंकि ये प्लेलिस्ट काफी इन डेप्थ नॉलेज में डिफाइन की गई है। मैंने 1-to-1 एक एक स्टेप्स उसमें इन डेप्थ में समझाया गया है कि कैसे आप लिस्टिंग को मैनेज कर सकते हो इनिशियल से लेकर एडवांस तक, कैसे आप पूरी उसे एसईओ के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करोगे, क्योंकि गूगल मैप बिजनेस पे एड्रेस अपना रजिस्टर्ड करना या बिजनेस रजिस्टर्ड करना ही इनफ नहीं होता, उसे ऑप्टिमाइज करके टॉप 3 पे रैंक लेना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहीं से ही हमारे पास जितने ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे वो वहीं से ही जनरेट होंगे अगर आपकी लिस्टिंग टॉप 3 पे शो होगी। प्लस में हम यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग पर एड्स भी रन होती है, जो कि गूगल एड्स के डैशबोर्ड के थ्रू आपकी गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग पे एड्स रन होंगी। उन एड्स को कैसे रन करेंगे वो चीजें भी हम इस प्लेलिस्ट के अंदर देखेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली है, जो भी प्लेलिस्ट आपके लिए लाई जा रही है इस चैनल पर वो काफी इंटरेस्टिंग और इन डेप्थ नॉलेज होगी जो कि एक प्रीमियम कंटेंट है। तो आप इस कंटेंट को जरूर जरूर देखिए क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप काफी सारी इन्फॉर्मेशन को स्किप कर दोगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही। इस प्लेलिस्ट में आपको काफी जल्दी न्यू वीडियोस मिलने वाली है जो कि आपको आपकी स्किल्स को और ज्यादा ग्रो कर सकती हैं, और अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है ये वीडियोस ये प्लेलिस्ट, क्योंकि आप किसी एक बंदे को हायर करोगे जो कि आपकी वीडियोस के लिए हाईली चार्ज करे, तो उससे बेटर ये है कि आप खुद ही मैनेज कर सकते हो क्योंकि गूगल बिजनेस लिस्टिंग को मैनेज करने के लिए एज सच कोई ह्यूज टाइम नहीं चाहिए। आप नॉर्मल डेली की डेली आप एक्टिविटीज करके भी इसे ऑप्टिमाइज करके रैंकिंग कर सकते हो। सो गाइस काफी अच्छी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट है। सो आई होप सो कि आप इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करो और आप अच्छी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर पाओ। और अगर कोई भी डाउट्स आता है ड्यूरिंग द प्लेलिस्ट कभी भी, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पे मेल ड्रॉप कर सकते हो, जो भी डाउट्स होगा मैं आपका वहीं पे क्लियर आउट कराऊंगा। और कोई ऐसा इन डेप्थ कोई ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग डाउट्स होगा तो मैं उसके लिए एक न्यू वीडियो बना के भी आपके इस चैनल पे डालूंगा ताकि आप इन प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन ले पाओ और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए। सो मेरा जो इस चैनल को मैं चलाने का गोल है वो यही है कि आपको सारा प्रीमियम कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले, जिससे आप अपने बिजनेस में या अपने जॉब्स में या अपने स्किल्स की ग्रोथ में आप उसे हेल्पफुल कर पाओ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।